हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ का सब्जेक्ट संस्कृत। चैप्टर सिक्स, चैप्टर नेम है विद्या सर्वस्य भूषणम। इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं, आपको इसका अर्थ बता चुके हैं, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए करते हैं। प्रश्न नंबर एक है, एक ही संस्कृत पद में उत्तर दें। इसमें एक पद में उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पे कह नक्षत्राणाम भूषणम, एक शब्द में इसका उत्तर है चंद्र। वैसे ख का भी लिखना है पति कासाम भूषणम, यहाँ पे हो जाएगा नारीणाम। ग विद्या कस्य भूषणम, यहाँ हो जाएगा सर्वस्य। घ किन हीना न शोभन्ते, यहाँ हो जाएगा विद्या। अंग है माता इव का रक्षति, यहाँ पे हो जाएगा विद्या। दूसरा है सही कथनों को सही से चिन्हित करें। क चंद्र पृथिव्या भूषणम अस्ति, ये हमारा गलत है, यहाँ पे हम गलत का निशान लगा देंगे। ख है विद्या धनम व्यय कृते नष्टम भवति, ये भी हमारा गलत है, हम यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। गह है विद्याहीना कमलानी इव सर्वत्र शोभन्ते, तो ये भी हमारा गलत है, तो हम यहाँ पे गलत का निशान लगा देंगे। घ है विद्या संचया क्षयम आयाति, ये हमारा सही है, हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। अंग है कल्पलता इव विद्या सर्वसाधयति, ये भी हमारा सही है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर पाँचवें पे। निम्नलिखित शब्द रूपों के विभक्ति एवं वचन पहचाने, यहाँ पे देख दिया है शब्द और इसका विभक्ति और वचन पहचान के यहाँ पे आपको लिखना है। तो क का है कह, ये कौन सी विभक्ति है प्रथमा, वचन एक वचन है। वैसे ख का पृथिव्या, तो पृथिव्या कौन सी विभक्ति है, तो ये हमारा षष्ठी विभक्ति है। और वचन एक वचन है। ग अमित्रस्य, ये आपका षष्ठी विभक्ति है और वचन एक वचन है। घ है नारीणाम, ये भी आपका षष्ठी विभक्ति है और वचन ये बहुवचन है। अंग है निर्गंधा, ये आपकी प्रथमा विभक्ति है, वचन बहुवचन है। च है माता, माता आपकी प्रथमा विभक्ति और वचन एक वचन। छ है भारत, ये आपकी चतुर्थी विभक्ति है और वचन एक वचन। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर छवें पे। दिए गए शब्दों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे शब्द दिए गए और इनके उचित रूप से यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। है डैश तनोति, यहाँ पे लक्ष्मी दिया है, यहाँ पे लिखेंगे लक्ष्मी। ख डैश अपूर्वा कोशा अस्ति, यहाँ पे इदम है तो यहाँ पे लिखेंगे अयम। ग रूप यौवन संपन्ना अपि ड
डैश न शोभन्ते, तो यहाँ पे है विद्याहीना, हम यहाँ पे लिखेंगे विद्याहीना। घ है विद्या डैश इव खेदम अपनयति कांता, हम यहाँ पे लिखेंगे कांता। अंग है विद्या दिछु डैश वितनोति, यहाँ पे है कीर्ति, हम यहाँ पे लिखेंगे कीर्ति। च है विद्या कोश डैश क्षय आयाति संचया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे संचयात। क्षय आयाति, ऐसे आप अपना बुक वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।